वैभव। मैं वैभव नहीं हूँ, मैं ध्रुव हूँ। वैभव अंकल, मैं आपको वैभव दिखती हूँ, मैं तो आशा हूँ। अरे वैभव, माय सेल्फ विद्याधर, वैभव मेरे साले साहब हैं। मैं आशा, ये ध्रुव के पापा, ये आइसक्रीम, इनका निवास, सॉरी वैभव अंकल घर पे नहीं है। ये पागलों की फैमिली है क्या? वैभव आए तो बोल देना, 8 बजे आके समोसे वाली गली में मिले। भाई साहब, समोसे खिलाने के लिए कोई ऐसे बुलाता है? प्यार से बुलाइए, दिखाएंगे ना प्यार भी। वैभव को बोलना आ जाए, नहीं आए ना तो ठीक नहीं होगा। अरे भाई साहब, बच्चों को इतना डरा क्यों रहे हैं आप? आ जाएगा। इस साले साहब को ऐसे क्यों बुला रहा है, क्या मसला है? ओह, ये छोटी सी शैतानी खोपड़ी में क्या प्लान चल रहा है भाई? वैभव अंकल और श्रेया आंटी को एक करने का आइडिया, एक प्लान है मेरे पास। मेरी दादी माँ, छोटे बच्चे हो ना, चॉकलेट, टॉफीज, आइसक्रीम, ये सब में इंटरेस्ट होता है। आप इतनी सी होके फैमिली मसलों में पड़ रही हो। अंकल, फैमिली तो मेरी है ना। क्या बोला आप? श्रेया जी और वैभव को मसले में इतना इंटरेस्ट क्यों लेती हो? क्योंकि वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, और वो दोनों साथ में भी कितने अच्छे लगते हैं ना, है कि नहीं? हाँ, ये बात तो है। तो फिर बताओ, मेरा साथ दोगे या नहीं वैभव अंकल और श्रेया आंटी को एक करने में? अरे नेकी और पूछ जरूर दूंगा। मैं तो आशा दीदी का फैन हूँ, ये जैसे घुमाती है मैं वैसे घूमता हूँ। हाँ बेटा, तो रेडी हो आप दोनों? It was so much fun. आपको ना श्रेया का चेहरा देखना चाहिए था। श्रेया का चेहरा ना एकदम देखने लायक था। जब वैभव ने उसे हमारी वेडिंग का कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया ना, उसका चेहरा तो ऐसे लटक गया जैसे 3 दिन के डिटॉक्स की डाइट के बाद ना मेरा लटक जाता है। I'm sure. वैसे भी श्रेया के साथ मेरा कुछ पुराना हिसाब बाकी है, वो भी पूरा कर लेंगे। I never really liked her. And I just can't wait. अच्छा है, आने दो से तुम्हारे और वैभव की शादी में, तब आएगा मजा। मजा? दी मजा तो अब मैं उससे लूंगी। ऐसे टॉर्चर करूंगी ना उसको, ऐसे। No! Is that more? I think so. Let's go. Okay. No. No, this can't be real. ये सच नहीं है, ये बिल्कुल सच नहीं है। माया, can you see this? Oh, हाँ, आज तो न्यूज़पेपर में हमारी फोटो आने वाली थी ना। शोभी, डीवा तो लग रही हो ना। This can't be real. This can't be real. This is real. ये सच है, हमारे सच में ऐसी फोटो छपी है। मेनका जी, आप ठीक तो है? जो है लोग ओके सविता जी। No, I'm not okay. किसे बेहुदा सवाल पूछती हैं आप? ये किसने मजाक किया है? ये भद्दा मजाक किसने किया है? बहुत अच्छी लग रही हैं आप दोनों। फोटोग्राफर को तो दाद देनी पड़ेगी, क्या ब्यूटी कैप्चर किया है देखिए ससुमा। अपने जुबान पर कंट्रोल रखना विद्याधर जी। मॉम रिलैक्स। मुझे अगर ये दाद दिखाई दिया ना तो तोड़ देंगी। बस अब शहर में किस किस का दांत तोड़ेंगे जाकर, सब तो देखकर हंस रहे होंगे। जी जी, Calm down. अब उस बेचारे फोटोग्राफर की क्या गलती है जब आप लोगों ने पिक्चर्स ही ऐसे क्लिक करवाए तो? करेक्ट, ऐसे ही दिख रहे थे तो पिक्चर्स भी वैसे ही आएंगे ना। करेक्ट। एक्सक्यूज मी, हाउ डेयर यू माया, इसका मतलब तुम्हें ये कहने के हम दोनों जोकर जैसे दिख रही थी? नहीं, मेनका जी, इतनी बुरी भी नहीं लग रही यार। मैं क्या बोल रहा हूँ,
हॉल में जो आपका इतना बड़ा फोटो लगा हुआ है ना, उसके बगल में एक फ्रेम खाली है, क्यों ना ये फोटो लगा दिया जाए, वो घर वालों का हंसने का बंदोबस्त हो जाएगा। जी जी अभी इसे क्या हुआ यार? मॉम, अभी फोटो तो न्यूज़पेपर में छप गई, मेरी सारी फ्रेंड्स से देख ली होगी। ओह मॉम, मॉम काम डाउन ब्रीथ ब्रीथ। मुझ पे सब हंस रहे हैं, मुझ पे सब हंस रहे हैं। मम्मी जी, जीजा जी, आप लोग प्लीज थोड़ी देर रूम से बाहर जाइए। आप क्यों रो रही हैं? इतना अच्छा तो लग रही हैं आप। ऐसे किसी पे हंसना अच्छी बात नहीं है। सासू माँ, आप ये फोटो देखकर अपनी हंसी रोक कर बताइए तो मैं मान जाऊं। देखिए ये दोनों मावेली का फोटो ना फ्रेम कराने लायक है। देखिए एकदम सही कैरेक्टर में सुपना का और मिनी सुपना का। अरे बाप रे दामा जी, मैं चलती हूँ, मुझे बहुत सारा काम है। मेनका जी का मूड ना पहले ही खराब है, अगर डिटॉक्स चाय नहीं मिले ना घर सर पे उठा लेंगे। अंकल हंसा क्या ना? बहुत मजा आया। ये अजूबा जिसने भी किया, मैं तो उसको जानता नहीं लेकिन मैं उसका बहुत बड़ा फैन हो गया हूँ। थैंक यू कुछ बोला क्या? हाँ मैं बोल रही थी कि वो प्रॉमिस पूरा करने का टाइम आ गया है। श्रेया आंटी के पास जाना है आपको, याद है ना? अरे याद है, मैं कैसे भूल सकता हूँ। श्रेया और वैभव को एक करने का पहला स्टेप, मिशन समोसा। परफेक्ट, ऑल द बेस्ट अंकल। इडियट्स, अपने ही पति की एक्स वाइफ को अपनी शादी में कोई इनवाइट करता है क्या? माय गॉड, वैसे भी पंडित जी ने कहा है कि हमारे सर पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं और तुम दोनों संकट को इनविटेशन देके आई। चुप है। अगर श्रेया ने शादी में आकर कुछ ऐसा किया कि वैभव का उसके लिए जो सोया हुआ प्यार है वो जागृत हो गया तो सोचा है तुम्हारी शादी का क्या होगा ईशा? हाँ सोचा है। I just can't believe कि तुम दोनों मेरी बेटियां हो, मेरी। Oh God, Mom, you're so right. अगर वैभव मुझे छोड़ के उस श्रेया के पास चला गया तो ये तो फिल्म हो जाएगी ना, हम दिल दे चुके से ना। No, Mom, ये नहीं हो सकता। I can't afford to lose वैभव। क्या करूं क्या करूं? एक काम करती हूँ, मैं उस श्रेया से अपनी शादी का कॉन्ट्रैक्ट ना वापस लेकर आती हूँ। कहाँ से? माइंड ब्लोइंग। एक गलती को छुपाने के लिए अभी दूसरी गलती करने के लिए जा रही हो, माइंड ब्लोइंग। कोई कुछ नहीं करेगा। अगर ऐसा तुमने किया तो वैभव को लगेगा कि तुम्हें उस पर ट्रस्ट नहीं है। कुछ और सोचना पड़ेगा हमें। कुछ और सोचना पड़ेगा। आइडिया। हम ज्यादा मत सोचो, मैं इंटरनेट से ढूंढती हूँ अभी। आपके बॉयफ्रेंड की एक्स वाइफ को शादी पे आने से कैसे रोके? Stop it! For God's sake, stop it! तुम दोनों अपने छोटे से दिमाग पर प्रेशर डालना बंद करो। For God's sake! मुझे पता है ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है। What if श्रेया शादी में आने के लायक ही ना रहे तो? Thank you.
श्रेया जी आप यहां बैठे ना जी। मुझे लगा कि यूएस जाने के बाद आप हम सबको भूल गई होंगी। वो सब छोड़िए, बताइए क्या लेंगे आप? भाई सेम आई नो, स्ट्रॉन्ग अदरक वाली चाय विद डेढ़ चम्मच चीनी, है ना? अभी ऑर्डर करती हूँ। सुमित, इनके लिए स्ट्रॉन्ग अदरक वाली चाय और सिर्फ डेढ़ चम्मच चीनी, हम्म, लेकर आओ। आपको याद है? कैसे भूल सकती हूँ, ना बुरे वक्त को ना अच्छे वक्त को, हर आपके साथ तो अच्छा वक्त ही बिताया ना मेरा। अच्छा तो ऐसा है तो रतलाम आकर बताया क्यों नहीं, एक फोन तक नहीं किया आपने, और अभी भी अदरक वाली चाय पिलाकर टरका रही हैं? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है तो प्रॉपरली ट्रीट दो, शादी वादी कर लिया और बताया भी नहीं। क्या हुआ श्रेया जी, कहाँ खो गई? बिना ट्रीट लिए मैं आपको जाने नहीं दूंगा। बताइए ना, मैं अभी ऑर्डर करती हूँ। सुमित, ऑर्डर ऑर्डर नहीं, मैं तो वही छेदी लाल के समोसे खाऊंगा, 7 साल पुराने स्टाइल में, रोड पे खड़े होके समोसे वाली गली में, जैसे हम सब खाया करते थे, याद है ना? ठीक है, जैसा आप बोलो। तो शाम को 8 बजे? ठीक है, फिर मैं वेट करूंगा 8 बजे शाम को, पक्का ना? हाँ जीजा जी, पक्का। आपको बस श्रेया आंटी के पास से समोसे की ट्रीट लेनी है। समोसे की ट्रीट? डाइट पे हूँ मैं। एक दिन खा लो ना समोसा, फिर बन जाना डाइटिंग करके टाइगर श्रॉफ। फिर की लेने में तुम बिल्कुल मेरी तरह। चलो हो गया तुम्हारा काम। ये हुई ना बात, आपको बस श्रेया आंटी को बुलाना है वो समोसे वाली गली में, ठीक उसी टाइम जब वैभव अंकल आने वाले हैं, आज रात 8 बजे। कितने सालों बाद आपके मुंह से जीजा जी सुना, अब तो आप जरूर आओगी। आपका पति कहाँ है? अभी अभिराज नाम है ना उसका? आपको खुश रखता है ना, मतलब वैभव के साथ जो कुछ भी हुआ उसके बाद आप उसके साथ खुश हो ना? ₹15 लाख रेडी रख, वरना बहुत बुरा होगा। 2 दिन का टाइम दे रहा हूँ। भाई मैं बता चुका हूँ कि होटल में फूड पॉइजनिंग हुई है, उसमें मेरी क्या गलती है? तुम्हें पैसे चाहिए ना, जाके होटल के ओनर से मांगो ना, मुझसे क्यों मांग रहे हो? उसने अपने हिस्से की भरपाई कर दी है, बाकी तुझे देना होगा। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, फिर से दोहरा रहा हूँ, मैं पैसे नहीं दे सकता। देख भाई, प्यार मोहब्बत से बोल रहा हूँ, समझ जा। अगर मेरा बॉस अपने में आ गया ना तो तेरे लिए ठीक नहीं होगा। क्या धमकी दे रहा है? हाँ धमकी दे रहा है। हाँ बता क्या कर लेगा। नहीं क्या कर लेगा बता ना, सीधे सीधे बोलना, तेरा बॉस क्या करेगा? बात करा मेरी भी, मैं भी बताता हूँ उसे। धमकी किसको दे रहा है? जब ए तुम जो भी हो, मेरे बेटे से ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? बात कर रहा हूँ ना वैभव, चुप कर, मैं बात कर रही हूँ ना। अरे मम्मी सुनो, तुम मेरे बेटे को ऐसे धमकी नहीं दे सकते हो। ये मत समझना कि वो अकेला है, उसकी माँ उसके साथ खड़ी है, और वो तुम जैसे से नहीं डरती, ना तुम्हारे बॉस से। माता जी अपने बेटे की सच में चिंता करते हो ना, तो उसे समझाओ। पैसे तो चाहिए, पहले 2 दिन का टाइम दे रहा था, लेकिन अब आज ही चाहिए। उसे बोल देना आज रात 8 बजे समोसे वाली गली के कॉर्नर पर पैसे लेकर आए, वरना तुम भी अपने लाडले बेटे को है ना बचा नहीं पाओगी। तो काटेगा ही ना मम्मी, मैं बात कर रहा था तो आपने क्यों छीना मुझसे फोन? तो मेरे बेटे से कोई ऐसे बात करेगा तो मैं खड़े खड़े सुनती रहूंगी। पर तू चिंता मत कर, हम सब ठीक कर देंगे। क्या ठीक करेंगे, कैसे ठीक करेंगे? जाके उन गुंडों से लड़ेंगे? अगर जरूरत पड़े तो वो भी कर लूंगी, ऐसे मेरे बेटे को कोई धमका नहीं सकता। तू चल मेरे साथ। मम्मी मैं संभाल लूंगा, आप टेंशन मत लो। ठीक है सर, नहीं चलाना तो मैं अकेले चली जाऊंगी, पर अपने बेटे को ऐसे मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ूंगी। जाके। अरे मम्मी यार, मम्मी बहुत जिद्दी हो आप। मम्मी मेरी बात तो सुनो। दो आदमी चाहिए रात 8 बजे समोसा गली में। ओ,
मंकी कैप क्यों पहना रही हो आशा? दो मिनट चुप नहीं रह सकते बड़े लोग, चुप। ओके माते। देखिए। अरे। Looking nice, papa. है क्या nice? मोहल्ले में एक गुंडा हुआ करता था छोटू लाल, वैसा सेम लग रहा हूँ मैं। तुम लोग क्या करवाने वाले हो? लड़की छेड़नी है आपको? अरे जूते पड़वाएंगे, क्या 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 कर रही हो बच्ची? अरे अंकल, क्या मेरे रहते हुए क्यों डरते हो? पहले प्लान तो सुन लो। श्रेया आंटी ना आपसे मिलने आएंगी, वो सेम गली है जिधर वैभव अंकल भी आने वाले हैं। बस आपको श्रेया आंटी पे अटैक कर देना है और वैभव अंकल आके हीरो के जैसे बचा लेंगे। सुपर हिट प्लान है ये। एक मिनट, प्लान में एक प्रॉब्लम है। श्रेया आंटी को वैभव मामा क्यों बचाएंगे जबकि उनके हीरो तो अभिराज अंकल है ना? हैं? बोलो बोलो। और उन्होंने तो शादी भी कर ली है। अरे कोई शादी वादी नहीं हुई है, पति पत्नी नहीं है वो दोनों सिर्फ एक दोस्त हैं। आपको कैसे पता? हैं? मेरा मतलब ये क्या कह रहे हैं आप अंकल? अरे आज जब मैं श्रेया जी से मिलने गया था तब बताइए ना। श्रेया जी खुश है ना? आप वैभव से ज्यादा अच्छा ट्रीट करता है ना आपको? ऑफ कोर्स, बहुत खुश हूँ मैं। बहुत केयर करता है मेरी, मुझे रिस्पेक्ट देता है, प्यार करता है, मेरा बहुत ध्यान रखता है, मेरी हर पसंद नापसंद के बारे में जानता है। आपको पता है वो मेरे लिए बेड टी भी ला के देता है, मेरी आंखें खुलने से पहले ही चाय मेरे सामने होती है। और उसके हाथ का खाना, उसके हाथों में तो जादू है। बहुत प्यार करता है वैभव मुझसे। वैभव, अभिराज, वैभव गलती से निकल गया। दिल गलती नहीं करता श्रेया जी, सच बुलवाता है। और आप अभी भी वैभव से उतना ही प्यार करते हैं, फिर अभिराज से शादी क्यों किया आपने? बताइए ना श्रेया जी, आपने मुझे जीजा जी बोला है, इतना तो हक बनता है ना? आप चुप क्यों हैं श्रेया जी? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने शादी ही नहीं की हो? ये मसला है, वहां सबको गलत फहमी हो रखी है कि आपने दूसरी शादी कर ली और आपने बताया भी नहीं। मैं अभी जाकर सबको बताता हूँ। नहीं जीजा जी, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। बताना पड़ेगा श्रेया जी, वैभव के अकल पे पत्थर पड़ गया, वो जूनियर सुप्रखा से शादी करने जा रहा है, उसको तो जानना जरूरी है ना? नहीं जीजा जी, आपको मेरी कसम है आप ये बात किसी को नहीं बताएंगे। अगर वैभव को लगता है कि मैं मूव ऑन कर गई हूँ तो उसे यही लगने दीजिए। जीजा जी प्लीज, मुझसे प्रॉमिस कीजिए कि आप ये बात किसी को नहीं बताएंगे, ना वैभव को और ना मम्मी को। ये बात है, श्रेया जी ने कोई शादी वादी नहीं की है, ना ही मूव ऑन किया है। पर देखो तुम लोग ये बात किसी से कहना नहीं, श्रेया जी ने मुझसे प्रॉमिस लिया, ये बात बाहर नहीं आनी चाहिए। अरे यार ये तो मसला हो गया। तुम सही कह रही थी दीदी, ये बड़े लोग भी ना मैंगो रूट आइसक्रीम जैसे होते हैं, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और। अंदर जो है वही तो बाहर लाना है, आज आएगा, पक्के से आएगा। तो अब रेडी हो ना फूफा जी? फूफा जी आपकी सासू माँ को मैं दादी बोलती हूँ, तो आप मेरे फूफा जी हुए ना? अच्छा उस एंगल से? हाँ, बट ये फूफा जी आउटडेटेड फैशन है। फूफा जी सूट नहीं कर रहे हैं, आई एम स्टिल यंग। अच्छा अच्छा ठीक है, फूफ्स कैसा रहेगा? फूफ्स, आई लाइक फूफ्स। तो चले चलो।
शुभ लाभ शुभ लाभ शुभ लाभ।